And Arj Hamara Mehman is the person you saw aga in that package. Khalid Mahmood Saab, bahut bahut shukriya. And Khalid Saab, aap dekhe hain, aap thoda sa emotional tha aapke liye. Sir, wo waqiya mere se guzra hai na, aaj tak mujhe yaad hai. कोई बंदा मेरे से सपोर्ट नहीं करता था, मेरे घर में 2 रुपए नहीं थे कि मैं अपने घर को चला सकूं, ऐसे लोग थे मेरे साथ जो मेरे से दुश्मनी कर देते। आज आपको उन पे गुस्सा तो नहीं आता? उन नहीं, गुस्सा नहीं आता, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको कामयाब करे, और लोगों को भी। ये नहीं कि वो गुस्सा आपके अंदर अभी तो नहीं है ना? नहीं, गुस्सा नहीं है, हालांकि वो लोग ब्रेड बेचते थे जिस रेट पे मुझे मिलती थी। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ब्रेड हमें भी आप उतरवा के दो, मुझे फैक्ट्री से 2-3 रुपए और भी कम मिलने लगे, मेरा इतना अच्छा काम हो गया था। माशाल्लाह। हाँ, लोगों ने काफ़ी तंग किया, आज खुशहाल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करता हूँ। क्या उस वक्त आपको ये यकीन था कि आप कामयाब होंगे? बिल्कुल, मुझे अपने ऊपर फ़ख्र था, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला जो उनसे किसी का एक रास्ता, अगर कोई बंदा किसी का एक रास्ता बंद करता है तो अल्लाह ताला उसके 100 रास्ते खोलता है। इस चीज़ का मुझे पता था कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, अगर मेहनत करे बंदा तो। फिर मैंने मेहनत की जितनी मेरे से हो सकी मैंने की, मतलब मैं अगर ऐसे भी दिन हमें आते थे कि हम लोग, मैं 4-5 घंटे भी सोता था, और मैं मेहनत में मतलब इतना ठेला चलाता था, उस पर ठेले से मतलब मेरे, मैं शाम को जब घर आता था मेरे घर वाले जो मेरे पाँव दबाते थे। बच्चों पे क्या असर पड़ा था? बच्चे उस वक्त, ये मेरी छोटी बच्ची थी उस वक्त, इसको तो नहीं पता था, तो ये इनका मुस्तकबिल जो है मेरी सामने आता था, क्या करेंगे क्या बढ़ाएंगे। फिर जब मैंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को सराहाया, आस्ते आस्ते मेरे बहुत अच्छे हालात होने लग गए। आपका सक्सेस से पहले बहुत मुश्किल जिंदगी आपके लिए, and were there any times when you just wanted to give in? kabhi aisa lagta hai ki mayusi itni thi ki bas ab chhod de ki kuch nahi ho sakta? nahi, mayusi thi magar main mayus nahi hua. ye kis tarah kiya, kyunki bahut sare log bahut jaldi haar maan jate hain? nahi, maine haar nahi mani, maine mehnat ko jo unse apna liya, maine bola isko maine mehnat karni hai aur isi mein phal paana hai, to jitni jitni mehnat maine ki usi usi allah taala ne mujhe phal deta gaya. to फिर मेरे को ये समझ में आया यार, जैसे अभी मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ इसी तरीके से मैं लोगों के पीछे भी जाता था, यानी जो बंदा मायूस होता है उसको भी मैं इस रास्ते पे लेके आता हूँ, समझाता हूँ, फिर उनके साथ भी मेहनत करता हूँ, वो भी फिर मतलब एक बंदा ऐसा है कि जैसे एक बंदा है उसने मेहनत नहीं कर रहा, हाँ। वो हिम्मत हार रहा है, उसको मैं ये समझाता था समय कि भाई आप मेहनत करो, इंशाल्लाह मेरी तरह आप फल पाओगे, और वो भी मेहनत करता था, मगर उसको मैं आगे ये कहता था कि अगर जैसे मैंने आपको आज समझाया, किसी को आप भी तकलीफ में देखोगे तो ये मेरा कर्जा उतरेगा आप पे, ऐसे नहीं उतरेगा, तो यानी कि अगर वो बंदा मेहनत करेगा, हाँ। अगले को वो देखेगा वो मेहनत नहीं कर रहा, यानी मैंने स्टेप बाई स्टेप उसको मैंने ये बताया कि आगे भी आपने यही बोलना। अच्छा, पहला कर्जा आपने लिया था 10,000 रुपए और वो कर्जा आप लौटा दिया आपने? जी जी। अच्छा, तो दूसरे लोगों को जब कर्जा, तो क्या इतना ही 10,000 रुपए और भी लोग लेते हैं जी? तो कुछ लोग तो आपसे ये कहते होंगे कि 10,000 रुपए में क्या हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बंदे ने मुझे कहा था कि 10,000 रुपए कर्जा है यार, इससे क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो मैंने उस बंदे को बिठाया, समझाया, मैंने बोला अगर जो बंदा 1 रुपए की कदर नहीं कर सकेगा वो 1 लाख की नहीं कर सकेगा। तो उस बंदे को मैंने वो समझाया, आज माशाल्लाह वो भी अपना ठेला चलाता है, केले वगैरह रास्तों में बेचता है, 500-600 रुपए की दिहाड़ी कमा लेता है, अगर वो फैक्ट्री में भी काम करता उसको 6,000 मिलते, 7,000 मिलते, तो आज वो 15-16,000 रुपए कमा रहे। अंग्रेजी में हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक फ्रेज, यू नो, लुक आफ्टर द पेनीज एंड द पाउंड्स लुक आफ्टर देमसेल्व्स। हां, बोले कि जब पैसे पैसे की खर्च की कदर करोगे तो रुपया अपने आप सामने आ जाएगा। सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैंने ऐसे भी है ना, मेरा एक और भी थोड़ा सा ऐसा प्रोग्राम है, रास्ते में अगर जा रहा होता हूँ रोड पे, तो किसी मोटरसाइकिल वाले को मैं अगर देखता हूँ खड़ा हुआ, तो उसको पहले पूछता हूँ कि परेशानी, अगर उसको पेट्रोल चाहिए होता है मैं उसको पेट्रोल देता हूँ। एक बंदे ने मुझे उसको मैंने रोक के पूछा, मैंने बोला क्या हुआ, बोला पेट्रोल नहीं, मैंने उसको पेट्रोल निकाल के दिया। उसने बोला कितने पैसे बने, मैंने बोला पैसे नहीं, यहाँ पर मेरा कर्जा है। उसने बोला फिर कैसे उतारूँगा, मैंने बोला आपने जब रोड पर जाओगे किसी ऐसे बंदे को मजबूर को देखना मोटरसाइकिल खड़ी है,
आप उसको पेट्रोल दे देना, आपका मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा। सिंपल, अच्छे काम। तो उसको कहा, फिर मैंने बोला आपने यही बात अगले मोटरसाइकिल वाले को बोलनी है कि अगर कर्जा है ये आपका मेरे पे, तो यानी इस तरीके से अच्छाई को बढ़ाना। अरे सब ये चीजें कहाँ से आई, मतलब ये क्या आपकी तरबियत इस तरह हुई है, ये आपके फैमिली ये? बस मेरी वालदा है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो हमें घर से बाहर फालतू नहीं निकलने देती थी, यानी गलियों कूचों में नहीं बैठने देती थी, काम से काम रखने के लिए कहती थी। तो हमारी वालदा साहिबा ने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा, हमारे पे भी बड़े बड़े मतलब ऐसे आए। मेरी 10 साल की उम्र थी जब मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बहुत अच्छे, बहुत नेक दिल और बहुत ही मेहनती आदमी थे, जो फोत हो गए उस वक्त 10 साल की उम्र थी। तो मेरे भाई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, साथ में मजदूरी करते रहे, और मतलब ऐसे हालात नहीं आ सके थे जो हम लोग ज़्यादा बढ़ सके। बस इस वक्त तकरीबन मैं जब फिर गांव, जब यहाँ पे 92-3 में हालात ख़राब हो गए थे कराची के, मैं गांव चला गया था अपने अटक, आदिशाह गांव है हमारा, वहाँ पे मैं चला गया था। फिर वहाँ से 5-6 साल के बाद जैसे वापस आया, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने। बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मेरी बच्ची पढ़ती है, मेरे बच्चे 4 बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा खाना पीना करते हैं, सब कुछ मतलब बहुत नॉर्मल, अच्छी ज़िंदगी। और मज़े की बात है, हमारा कोई भी आस पड़ोस, कोई मोहल्ले में कोई बहन भाई किसी के साथ कोई तकलीफ हो, मैं इंशाल्लाह उसके साथ कोऑपरेट करता हूँ। अभी चाय दूध के साथ, अभी चाय दूध के साथ और पापे टोस्ट और बिस्किटों के साथ। ये बात। Anyway, we're going to take a shorty sea break. Like in break ke baad, we will find out exactly how did Khalid reach this successful stage. We'll break ke baad.